नमस्कार दोस्तों, किसी भी राष्ट्र का विकास उस देश के परिवहन नेटवर्क और उस नेटवर्क को सुचारू रूप से बनाए रखने के तरीके पर बहुत अधिक निर्भर करता है। और जब बात हो भारत जैसे विशाल और आबादी वाले देश के विकास की, तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देश में किसी भी क्षेत्र को जोड़ना और यातायात को स्मूथली रन कराने के लिए नई और चौड़ी सड़कों का निर्माण आवश्यक होता है। इसी विजन के तहत मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में भारतमाला परियोजना को लॉन्च किया और इस परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू हुआ वर्ष 2017 में। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि पूरे भारत में सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का एक ठोस नेटवर्क तैयार किया जाए और इस नेटवर्क में करीब 83,670 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण 10.63 लाख करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। परंतु दोस्तों, आज हम आपको पूरी भारतमाला परियोजना के बारे में न बताकर भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत साउथ इंडिया में बनने वाले एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 न्यू एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। इन एक्सप्रेसवे का क्या रूट होगा, कब से इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और कब तक इन्हें बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, भारतमाला परियोजना के तहत साउथ इंडिया में बनने वाले 10 न्यू एक्सप्रेसवे की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है चेन्नई सलेम एक्सप्रेसवे। 277 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 8 लेन चौड़ा होगा, जिसको NHAI के द्वारा 2025 तक बनाकर तैयार किया जाना है और वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। EPC मॉडल के तहत बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की एस्टिमेट कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए तय की गई है। नंबर 2 पर आता है पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होगा। महाराष्ट्र के 3 और कर्नाटक के 9 जिलों से होकर गुजरने वाला यह एक्सप्रेसवे करीब 700 किलोमीटर लंबा होगा। रूट अलाइनमेंट के हिसाब से यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में पुणे से शुरू होकर सतारा सांगली जिले से होते हुए कर्नाटक के बेलगामी, बागलकोट, गडक, कोप्पल, विजयनगर, दवणगिरे, चित्रदुर्ग, तुमकुर होते हुए बेंगलुरु में प्रस्तावित सैटेलाइट रिंग रोड पर जाकर समाप्त होगा। करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस एक्सप्रेसवे को 2028 तक बनाकर तैयार किया जाना है। नंबर 3 पर आता है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को एक एक्सप्रेसवे का नाम देना गलत होगा, क्योंकि इस परियोजना को ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड अपग्रेडेड वर्गों के साथ 2 एक्सेस कंट्रोल इकोनॉमिक कॉरिडोर को मिलाकर बनाया जाएगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में इस एक्सप्रेसवे को 564 किलोमीटर लंबे सूरत नासिक अहमदनगर सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और 707 किलोमीटर लंबे सोलापुर कुसूल चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर से मिलाकर बनाया जा रहा है। अगर बात करें सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे में बनने वाले ग्रीनफील्ड पैच की, तो इसमें 2 पैच को ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा, जिसमें 290 किलोमीटर का सूरत नासिक अहमदनगर तक का एक पैच और 230 किलोमीटर का अक्कलकोट महबूब नगर खंड शामिल है। बाकी के इस पूरे एक्सप्रेसवे को 2 लेन से अपग्रेडेड करके 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पूरे एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2025 तक बनाकर तैयार किया जाना है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मध्य प्रदेश के इंदौर से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे कुल 713 किलोमीटर लंबा होगा। मध्य प्रदेश में इंदौर से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे ओंकारेश्वर, महाराष्ट्र में अकोला, नांदेड़, डिंगलर, तेलंगाना में जोगीपेट, संगारेड्डी होते हुए हैदराबाद तक जाएगा। करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे को 2025 तक बनाकर तैयार किया जाना है। नंबर 5 पर आता है रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। 530 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड एक्सप्रेसवे होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे दुर्ग, राजनंदगांव, गढ़ चिल्लौरी, रामामुंडम, करीमनगर होते हुए हैदराबाद को कनेक्ट करेगा। 530 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का 104 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में, 77 किलोमीटर हिस्सा महाराष्ट्र में और बाकी का 338 किलोमीटर हिस्सा तेलंगाना में आएगा। NHAI के द्वारा बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे को करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत से 2025 तक बनाकर तैयार किया जाना है। नंबर 6 पर आता है नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। देश के 3 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला यह एक्सप्रेसवे करीब 1100 किलोमीटर लंबा होगा।
35,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा एक ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। नंबर 7 पर आता है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। नेशनल एक्सप्रेसवे 7 के नाम से जाना जाने वाला यह एक्सप्रेसवे 258 किलोमीटर लंबा और 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा। बेंगलोर के होसाकोटे से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे तमिलनाडु में कांचीपुरम जिले के श्री पेरम्बदूर तक जाएगा और इस एक्सप्रेसवे को बनाने की एस्टीमेट कॉस्ट करीब 18,000 करोड़ रुपए तय की गई है। NHAI के द्वारा बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन मार्च 2023 तक की रखी गई है। नंबर 8 पर आता है बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे अनंतपुर कटप्पा होते हुए विजयवाड़ा को कनेक्ट करेगा। दोस्तों, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। इसके ब्राउनफील्ड पैच में बेंगलुरु से कोड़िकोंडिया तक 73 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि कोड़िकोंडिया से अडांकी तक का 332 किलोमीटर लंबा पैच पूरा ग्रीनफील्ड पैच होगा। इसके आगे अडांकी से विजयवाड़ा तक 113 किलोमीटर लंबे ब्राउनफील्ड पैच को ही अपग्रेड करके एक्सप्रेसवे स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। इस प्रकार से बेंगलुरु से विजयवाड़ा तक इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 518 किलोमीटर की होगी और इस पूरे एक्सप्रेसवे को रेडी करने में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 9 पर आता है चित्तूर तच्चूर एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनने वाला यह एक्सप्रेसवे करीब 117 किलोमीटर लंबा होगा, जिसको बनाने की अनुमानित लागत 4,754 करोड़ रुपए तय की गई है और NHAI के द्वारा इस एक्सप्रेसवे की डेडलाइन 2024 तक की रखी गई है। लास्ट में नंबर 10 पर आता है रायपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। 464 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा यह एक्सप्रेसवे देश के 3 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। रूट अलाइनमेंट के हिसाब से यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, उड़ीसा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। NHAI की देखरेख में बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे की एस्टीमेट कॉस्ट करीब 20,000 करोड़ रुपए तय की गई है और इस एक्सप्रेसवे को बनाने की डेडलाइन 2025 तक की रखी गई है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।